हमास के बाद अब इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसराइल ने गाजा में हमास और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। इसराइल का दावा है कि इस हमले में लेबनान में हिजबुल्लाह कमांडर मारा गया है। इससे पहले इसराइल ने हमास के तोपची डिप्टी कमांडर मोहम्मद कटमश को मार दिया था। इसराइल की ओर से गाजा में कई ठिकानों पर हमला किया गया, जिसमें 30 लोगों की मौत की खबर सामने आई है।